वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय सेल्फ डॉक्टर संजय सिंह। आज के इस वीडियो में मैं एक और बैक फ्लावर रेमेडी स्टार ऑफ बेथलेहम के बारे में बात करने वाली हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रीडोमिनेंट मेडिसिन होती है और बहुत ही यूजफुल होती है शॉक के केसेस में, जहाँ पर आपको सदमा लग जाए, कोई भी अनएक्सपेक्टेड अनवेलकम न्यूज़ सुन लें, आप कोई इवेंट ऐसा देख लें या फिर किसी नियर एंड डियर को आप खो दें, उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा मेंटली सदमा लग जाए, शॉक लग जाए, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो, तो इन सारे कंडीशन में ये दवा बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती है। आज इसी के बारे में मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ, तो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इससे आपको मेरी अपकमिंग वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। अब बात करते हैं स्टार ऑफ बेथलेहम के बारे में। स्टार ऑफ बेथ जो मेडिसिन होती है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि बैक फ्लावर जो रेमेडीज होती है उनके 7 ग्रुप होते हैं, तो ये डिस्पेयर और डिस्पोंडेंसी ग्रुप की मेडिसिन होती है, जिसकी और भी मेडिसिन हमने पढ़ी है जैसे कि लार्च, एल्म और क्रैब एप्पल, तो ये सेम ग्रुप की मेडिसिन होती है। इसमें आपको क्या देखने को मिलता है कि कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट हुआ, कोई भी अनवेलकम आपने न्यूज़ सुन ली, उसकी वजह से अगर आपको बहुत ज़्यादा शॉक लगा, सदमा लगा, उसकी वजह से अगर आपका मेंटल पीस जो है अफेक्ट हो रहा है, आप सदमे में चले गए हैं, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर केसेस में बहुत अच्छा काम करती है ये दवा। जो होती है आपके माइंड को काम करती है, सूथ करती है, आपका जो निगेटिविटी आ गया है आपके अंदर उसको बाहर निकालने का काम करती है, आपका जो शॉक की वजह से नेगेटिव इफ़ेक्ट्स आया है उसको न्यूट्रलाइज करती है और आपके पॉजिटिव पोटेंशियल को बढ़ाती है। ये दवा एक तरीके से कंफर्टिंग मेडिसिन होती है। तो अगर आपकी लाइफ में ऐसे कोई इवेंट्स आ गए हैं जिसकी वजह से आपको शॉक बहुत ज़्यादा लगा है, आप काम नहीं हो पा रहे, तो ये आपको कंफर्ट करने का काम करती है, आपके माइंड को रिलैक्स करने का काम करती है। कई बार ऐसे कुछ इवेंट्स हो जाते हैं जिसकी वजह से हमारी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, जैसे किसी नियर एंड डियर की डेथ हो गई, तो उसका शॉक इतना बड़ा होता है कि हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, तो ये दवा जो है हमें रियलिटी में लाने का काम करती है, एक्सेप्ट करने में हेल्प करती है, जो भी अनइवाइटेबल है उसको एक्सेप्ट हम कैसे कर सकते हैं उसमें हेल्प करती है ये दवा। जो होती है अगर आपको कोई भी ऐसे इवेंट्स हुए हैं लाइफ में, चाहे रिसेंट के इवेंट्स हो या फिर बहुत पुराने इवेंट्स ऐसे हुए हों, कुछ ऐसा आपके साथ बुरा हुआ हो बचपन में और उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स अभी तक आपको आ रहे हैं, तो उसमें भी काम करती है। कोई भी ऐसी चीज़ें आपके साथ हो गई, किसी नियर एंड डियर की डेथ हो गई, आपका ब्रेकअप हो गया, या फिर आपने कोई एक्सीडेंट देख लिया, या फिर किसी लाइफ थ्रेटनिंग इवेंट्स में से आप खुद निकले हैं, तो उसकी शॉक की वजह से आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उसमें ये दवा अच्छा काम करती है। किसी भी तरीके का शॉक हो, किसी भी तरीके का सदमा लगा हो, चाहे आप उसको एक्सप्रेस कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, कई बार क्या होता है कुछ लोग, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं किसी नियर एंड डियर की डेथ हो गई तो वो रो भी नहीं पाते, अपने आप को एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते हैं, उसमें ये दवा बहुत अच्छे से काम आती है। बहुत ही प्रीडोमिनेंट मेडिसिन है शॉक के लिए, सदमे के लिए, और बहुत ही अच्छे से काम करती है। तो अगर आपकी लाइफ में ऐसे कोई इवेंट्स हो गए हैं, पास्ट में कोई इवेंट हो गया, आपका ब्रेकअप हो गया, या फिर आपके किसी नियर एंड डियर की डेथ हो गई, या फिर कुछ भी ऐसे ट्रॉमेटिक इवेंट्स हुए हैं जिससे आप गुजरे हैं, जिसको आपने विटनेस किया है, जो आपके दिमाग से निकल ही नहीं रहा है, तो ऐसे में अपने माइंड को काम करने के लिए, अपने आप को कंफर्ट देने के लिए आप इस दवा को यूज कर सकते हैं, बहुत ही इफ़ेक्टिव रिजल्ट देखने को मिलते हैं। ये दवा जो होती है, जो बैक फ्लावर की रेस्क्यू रेमेडी होती है, जो बहुत ही ज़्यादा प्रिडोमिनेंटली यूज की जाती है, उसके एक इन्ग्रीडियंट्स में से है और बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होती है इस तरह के केसेस में, जहाँ आपको पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो, PTSD हो, शॉक हो, ट्रामा हो, किसी भी तरीके का मेंटल डिस्ट्रेस हो, उसमें बहुत अच्छा काम करती है। डोजेस की बात करें तो अगर आप ग्लोब्यूल फॉर्म में ले रहे हैं तो आप 4 से 5 गोलियाँ ले सकते हैं दिन में 2 से 3 बार, और अगर आप लिक्विड फॉर्म में ले रहे हैं तो 3 से 5 ड्रॉप आप थोड़े से पानी में मिक्स करके दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं।
बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है, बहुत आराम से काम करती है, आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं देती है। अगर आपको पुरानी प्रॉब्लम है तो आपको एक दो महीने लेना पड़ सकता है, जब तक आपके सिम्टम्स अच्छे से चले ना जाएँ तब तक आप यूज कर सकते हैं। इवन अगर आपको इन मेंटल ट्रॉमा की वजह से कोई फिजिकल सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे कि कोई इवेंट ऐसा हो गया, ट्रॉमेटिक इवेंट, अनवेलकम इवेंट हो गया जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था, उसके बाद से आपको नींद नहीं आ रही है, बहुत घबराहट रहती है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो उन सारे केसेस में भी ये दवा बहुत अच्छे से काम करती है। बट आपको सिम्टम्स को समझना ज़रूरी होता है कि किस वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर आपको कुछ समझना है तो ज़रूर आप नियरेस्ट होम्योपैथिक डॉक्टर के पास विजिट कीजिए, प्रॉपर केस टेकिंग के बाद आपकी प्रॉब्लम समझ के आपको उस तरह से गाइड करेंगे कि आपको कौन सी मेडिसिन लेनी है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप के साथ शेयर कीजिए। आपकी कोई क्वेरी है, कोई सजेशंस है, किसी और टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी स्टे एक्टिव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।